क्योंकि वो अलग हुआ था वहां से। उन्होंने कहा कि निशान तो पहले ही उनके पास था, लेकिन ये रिकॉग्निशन की बात थी, उस पर ये फैसला आया कि शिंदे गुट के पास 37 जो विधायक है वही है और उसी को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। उद्धव गुट को निश्चित तौर से महाराष्ट्र में एक बड़ा झटका लगा है। इस बड़ी खबर की तरफ रुक रहेगा, लेकिन एक आपके भी काम की बात। आप दिमती को हमने सुना, जिन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ये सब करवा रहे हैं, खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा नहीं बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो ऐसा बोल रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने साल 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने की घटना का जिक्र करते हुए गोलीकांड को सही बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों पर गोलीकांड की घटना को लेकर यूपी की तत्कालीन मुलायम सरकार का बचाव भी किया है। तो एक के बाद एक विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं, जिसको लेकर के घमासान मचा हुआ है और ऐसे में अयोध्या में साधु संतों में गुस्सा है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इन सबके पीछे अखिलेश यादव है, क्योंकि वही स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा बोलने के लिए कह रहे हैं और अब तो उन्होंने कार सेवकों पर गोली की घटना को सही बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों पर गोलीकांड की घटना को लेकर यूपी की तत्कालीन मुलायम सरकार का बचाव किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों को अराजक तत्व बताया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज न्यूज 18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था।